Hi everyone, welcome or welcome back to our channel. I've cut my hair short. A lot of you already know but some of you don't and it is my duty to keep you guys updated about my hair and its care. So in today's video, I will be sharing the reason behind this major change. Okay guys, let's get into this conversation while I get ready for a day out. Okay, so first of I'm going to wash my face with Pond's Hydra Light Gel Face Wash. It's non-drying and contains hyaluronic acid. It also refreshes and hydrates my skin. Okay, so now we have a clear canvas to work. कौन सबसे पहले तो मैं जानती हूँ बहुत लोगों को ऐसे शौक लगा होगा कि बाल कटवा और मैंने बोला कट माई हेयर शॉर्ट सो बेसिकली मैंने बाल बहुत ज्यादा छोटे नहीं कराए बट दिस इज द शॉर्टेस्ट हेयर इन अ वेरी लॉन्ग टाइम इतने छोटे बाल आई रिमेंबर मैंने चार से पांच साल पहले कराए थे जब मुझे चाहिए था कि मैं यार बहुत परेशान में प्रॉब्लम आ रही है मैं बैठती हूँ तो बाल मेरे साथ यू नो मतलब मुझे खिंचने लग जाते हैं मैंने उस टाइम करवाया था इस बार मैंने ये क्यों करवाया मैं आपको आगे बताती बट इट्स नॉट दैट कट हेयर रियली शॉर्ट मेरे बाल जो है वो हमेशा हिप्स से नीचे रहते हैं इस बार वो मेरे हिप्स की मतलब बिल्कुल आप ही कह सकते हो कि हाइट पर आ गए हैं विच इज वेरी वेरी स्मॉल फॉर मी क्योंकि इतने छोटे बाल मेरे लिए मतलब आई एम लाइक मैं ऐसे हो गई थी कि शिट मेरे बाल कहाँ गए सो दिस इज अजर चेंज फॉर मी तो अब मैंने बाल क्यों कटवाए हैं क्या कैसा किस लिए हुआ वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी बट उससे पहले लेट्स फिनिश आर स्किन केयर ताकि मैं थोड़ा साई हैव ऑलरेडी सेड इन माई प्रीवियस वीडियो हाउ मच आई यूज हाइलोरॉनिक एसिड एंड हाउ मच आई लव यूजिंग हाइडुरोनिक बेस्ड एंड टूडे आई हैजू परसेंट माइक्रो हाइडोरॉनिक एसिड कॉम्प्लेक्स दिस विल गिव यू सेवेंटी टू आवर डीप हाइड्रेशन बिकॉज इट है Micro hyaluronic acid, and with winter approaching, this is going to be your best friend. All that stretch is gone now. I also like to use the serum in night because it strengthens my skin barrier overnight. All the dryness, flakiness, everything is gone. One more thing that I wanted to share with you guys: if you're facing immense hair fall, especially right now.

बाकी लोगों से पूछा हर एक लड़की के इनफैक्ट लड़कों के भी इस टाइम बाल टूटते ही टूटते हैं सो इफ यू आर फेसिंग इमेंस फॉल राइट नाउ प्लीज डू नॉट पैनिक इट्स वेरी नॉर्मल और ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इस बार के लिए बोल रही हूं मुझे अच्छी तरीके से याद है लास्ट दिवाली लास्ट टू लास्ट दिवाली उससे पहली दिवाली हर दिवाली पर मैं मेरी बहन मेरी मम्मी एक ही चीज कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि हमारे बाल टूट रहे पता नहीं एकदम से तैफॉल क्यों हो रहा है इसके पहले तो नहीं हो रहा था अब एकदम से क्यों होने लगा है नाम ने डाइट चेंज किए हमने कोई शैम्पू चेंज किया है ना कुछ हेयर केयर चेंज किया है so, सो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है दिस इज समथिंग यू यू नो नीड टू पैनिक अबाउट इट इज थ्रेडिंग सीजन आई होप जितने भी लोगों को यहाँ पर टेंशन हो रही थी बालों को लेके उन्हें थोड़ी शांति मिली होगी नाउ आई विल क्विकली डू माई फेस एंड उसके बाद हम लोग प्रॉपरली बात करेंगे सो इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस वन प्रोडक्ट फ्रॉम पॉन्स यू आर टोटली मिसिंग आउट बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट ग्रेट फॉर योर स्किन बट इट ऑल्सो क्रिएट्स अ स्मूथ कैनवस फॉर योर मेकअप इट्स द पॉन्स लाइट मॉइस्चराइजर इट इज वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर ऑफ ऑल टाइम इट कंटेन्स वाइटमिन ई एंड ग्लिसरिन लवली इंग्रीडियंट दैट योर स्किन नीड्स ड्यूरिंग विंटर्स एंड हाउ कैन यू इग्नोर द फ्रेश ग्लो इट ग्स ऑन योर स्किन BB creams are best when you want to go for light to medium coverage just like I want to today so my ponds BB cream comes super handy for these looks it's lightweight foundation with SPF 30 gives you a light makeup glow perfect for day to day looks or even occasions my base is ready i'll quickly do uh, the rest of my face off camera and then we'll talk my makeup is done and it's looking uh, absolutely glowy and pretty just how i like it and the major reason uh, behind this is my skincare so all the products that i've used for my skincare are already linked in uh, the description so make sure you check it out coming back to my hair yes so um, मेरा कोई प्लान नहीं था जैसे मैंने बताया हेयर है, कट लेने का बट मुझे लेना पड़ा बिकॉज अगेन शेडिंग सीजन है मेरे बाल निकलना चालू हो गए थे एंड वो रूट से निकल रहे थे क्या होता है एक तो ब्रेकेज होता है जब आपके बाल बीच में से टूटते हैं एक होता है आपको बाल सीधा रूट से निकल रहे हैं तो इसका मतलब आपको मेजरली बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है नॉट ब्रेकेज बट हेयरफॉल तो मुझे और क्या है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे नीचे से बिल्कुल एकदम वो जो पूछड़ी नहीं बन जाती बेसिकली वो हो गई थी तो अगर मैं उसको नहीं कटवाती तो होता क्या है ना जब आपका एंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है मेरे एंड्स बहुत ज़्यादा वो जो एक एक लेंथ के बाद लग रहा है कि अब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे वो होना चालू हो गए थे मैंने ध्यान नहीं दिया था उससे हुआ क्या कि जब भी मैं हेयर वॉश कर रही हूँ या मैं बाल अपने कॉम भी कर रही हूँ उन ड्राई बालों के साथ वो तो टूटते ही थे वो अपने साथ हेल्दी बालों को लेकर टूट रहे थे और इसकी वजह से जो मेरा हेयर फॉल था वो डबल हो गया था तो जब मैंने ये चीज़ नोटिस की आ, ज, आ, मुझे याद है जिस दिन मैंने अपने बाल कटाए उस दिन जब मैं बाल धो रही थी उस वक्त मेरे को इतनी ज्यादा हेयर फॉल हुई मैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी और मैंने कहा अब मुझे इन बालों को कटाना है एंड उस टाइम तो मैंने मैं तो ऐसा सोच रही थी कि मैं और छोटे करा दूँगी बट वो नहीं हुआ एंड वो भी क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बताती हूँ तो मैंने स्टेट ऑफ संजीविया को कॉल किया मैं उनके पास गई मैंने बोला प्लीज़ मेरा हेयर कट करो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है फिर उन्होंने मुझे बताया तो पहले जो शेडिंग वाली चीज़ें

पूरा हेयर फॉल का एक ऑलरेडी सीजन चल रहा है वो मेरा उस वजह से ना जो हेयर फॉल है वो डबल हो गया था तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी मैंने भैया को बोला था कि भैया आप मेरे जो बाल है वो कमर तक कर दो मैं सच में उस वक्त ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड था कि मेरे बाल कमर तक कर दो एंड वो लोग वो ऐसे हो गए थे कि शिट इसको क्या हो गया एंड अराउंड थेउंड लाइक वॉट इज रॉन्ग विध हर ये अपने बाल इतने छोटे क्यों करा रही है फिर मैंने मेरे रीजन बताया कि ऐसा ऐसा एंड लाइक ठीक है तू कबाल कटा ले बट इतने छोटे मत कर भैया को बोला था कि आप मेरे बाल कमर तक करो बट उन्होंने मेरे बाल जब काटे मैं ऐसे हो गई थी बस काट दो काट

क्योंकि मेरे बाल काफ़ी मैनेजेबल हो गए इससे पहले आप मेरे बाल देख रहे हो इससे जस्ट पहले यहाँ पर कहीं तो पिक्चर्स चल रहे होंगे विजुअल्स आपको दिख रहे होंगे उससे पहले आपको दिख भी रहा होगा काफ़ी नीचे से मतलब पतले एंड बहुत ज़्यादा ऐसे अनहेल्दी लग रहे थे मेरे बाल एंड कट के बाद इंस्टेंटली बहुत हेल्दी बालों में वॉल्यूम आ गया है टूटना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाह रही थी टूटना जैसे आप मैं अगर आपको कहूं कि मेरा 100% परसेंट हेयरफॉल हो रहा था तो वो स्ट्रेट अवे आ चुका है 30 पर मतलब 70% परसेंट मेरा हेयरफॉल उस एक ट्रिम से वो सॉल्व हो गया था तो मेरी तरह यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने काफ़ी टाइम से ट्रिम नहीं लिया है या बालों में नीचे से बहुत ड्राइनेस आ रही है एंड ऑलरेडी बहुत हेयर फॉल है, है प्लीज ट्रिम योर एंड या छोटे छोटे भी लिटरली यू कैन लिटरली, लिटरली जस्ट ट्रिम आपको बहुत ज़्यादा कटाने की जरूरत नहीं मैंने तो uh, इसलिए भी कटाए थे क्योंकि अगेन मेरे तो मेरे जो ड्राई एंड्स है वो बहुत ज्यादा ही हो गए थे तो मुझे उनको पूरा चॉप ऑफ करना पड़ा वैसे जितनी जरूरत ही थी मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया बिकॉज आई वॉज अगेन फ्रस्ट्रेटेड तो मैं जो भी लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं दे आर वेरी टेंस अबाउट देर हेयर कि बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं गेट अ ट्रिम उससे आपका हेयरफॉल काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक कम होगा दिस इज़ वॉट आई हैव नोट नोटिस कि मेरा तो मतलब बहुत बहुत फर्क पड़ा है इस चीज़ से वन मोर थिंग वन मोर टिप दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको अपने उसमें इंक्लूड करेंगे अगर आपको ड्राई एंड्स हैं तो वट यू कैन डू इज वट एवर कंडीशनर दैट यू यूज फॉर योर हेयर फॉर योर लेंथ बालों अपनी स्कैल्प में तो कभी कंडीशनर लगाना नहीं होता क्योंकि उससे आपका डैंड्रफ बढ़ जाएगा आई टेक दिस पॉइंट लेटर बट राइट नाउ इफ यू हैव रियली ड्राई अप्रोचिंग तो वो ज्यादा एंड ड्राई हो जाएंगे आपके बालों को वो ज्यादा तोड़ेंगे uh, जो ड्राई एंड है कंडीशनर में आपका जो भी ऑयल आप यूज करते हैं आपको सूट करता है वो मिक्स करो एंड मेकअप मास्क एंड पुट इट ऑन योर हेयर ओनली ऑन द लेंथ और uh, अगर आपको सिर्फ एंड्स uh, पे करना है वो भी कर सकते हो एंड जब आप शैम्पू करो तो उस टाइम आप नॉर्मली uh, पहले शैम्पू करके उन एंड्स को आप क्लीन कर सकते हो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राई एंड्स हो रहे हैं तो मैंने भी ये चीज़ करके देखी एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले एटलीस्ट मेरे जो एंड्स बहुत ज्यादा ड्राई हो गए थे अब वो नहीं है मैं आपको दिखाती हूँ अब मेरे एंड्स काफ़ी स्मूथ काफ़ी मतलब मैं ऐसे भी करूंगी तो एक भी बार बाल मेरा नहीं निकलेगा एंड उसका रीजन है ये दो तीन, तीन चेंजेस जो मैंने किए वन मोर थिंग विंटर्स आ रहे हैं आपको डैंड्रफ भी होगा ना दिस इज समथिंग अगेन विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टू योर हेयर फॉल अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो ओके जस्ट ब्रीफ इट आउट आपको सरसों का तेल लेना है उसके अंदर नींबू एड करना है अपनी स्कैल पे लगाना है उसको रखो थोड़ी देर uh, आधा घंटे के आसपास रखो एंड यू कैन वॉश इट ऑफ आपका जो डैंड्रफ है वो मैक्सिमम तो हट ही जाएगा बट अगर आप इसको रेगुलरली थोड़ा करना स्टार्ट करो तो प्रॉपरली भी वो निकल जाएगा सो so, मेकश्योर sure आप अपना डैंड्रफ कंट्रोल में रखो स्पेशली इस टाइम सर्दी की स्टार्टिंग के टाइम नहीं तो बहुत ज्यादा बाल निकलेंगे आई एव एक्सप्रेस एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ तो मैं ये चीज़ के लिए चाहूंगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज शेयर भी करें अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को फॉल हो रहा होगा तो ये दो तीन चीजें हैं जिनको आप प्लीज़ प्लीज ध्यान में रखना सो गाइज दिस वॉज मेजरली द रीजन आई हैड टू कट माई हेयर शॉर्ट शॉर्टर than uh, they were, नॉट वेरी शॉर्ट एंड अगेन दिस वीडियो इज फॉर पीपल हु आर फेसिंग ए मेन्स हेयर फॉल और उनको लग रहा है कि अब मुझे बॉल बहुत ज्यादा छोटे कराने पड़ेंगे ऐसा नहीं है जैसा मुझे भी लगा था बट थैंकफुल आई हैव गुड पीपल अराउंड मी तो उन्होंने मुझे थोड़ा संभाला बट दिस वीडियो इज बेसिकली टू रिमाइंड यू दैट दिस इज नॉर्मल बट इफ यू हैव डैंड्रफ ऑन योर हेयर इफ यू हैव ड्राई एंड दैट इज नॉट नॉर्मल दैट इज समिंग यू कैन वर्क ऑन इट इट कैन बी क्योर्ड इट कैन बी रिवर्स टू हाउ इट वॉज बट आपको थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा क्या करना है वो मैंने आप